हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब सर्टिफिकेशन दैट यू कैन डू आफ्टर 12th क्लास। ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन जो 12th क्लास करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं, और ऐसे करियर ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब हर कंपनी में नॉर्मली इनकी रिक्वायरमेंट होती ही है, बट सबसे मेन होता है आपका इंटरेस्ट। आपका क्या इंटरेस्ट है, मैं आपको 10 ऑप्शन देने वाली हूँ, इसके अंदर से आपको देखना है कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं होता कि कौन सा 10 में से कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है, मैं वही का ऑप्शन कर लेता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी और भी वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ कि एक लॉयर भी एक मैक्सिमम सैलरी भी होती है, एक हर जगह एक मिनिमम सैलरी भी होती है। अगर आपका इंटरेस्ट जैसी चीज आपको मिल जाए, जिसमें आपको मजा आता है, जिसको आप करने में मतलब आपको बहुत प्रेशर नहीं लगता, वो करियर आपके लिए बेस्ट होगा। तो इन 10 करियर्स में से जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करता है। और दूसरी चीज, आप कहाँ से करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू डूइंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे आपकी आपको एक अच्छा सर्कल मिल जाता है। तो सर्कल मिलने से आपके प्लेसमेंट के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जितने ज्यादा आपकी क्लास में स्टूडेंट होंगे, उतना ज्यादा एक आपका ग्रुप बन जाएगा, और आप उन लोगों से कनेक्ट करके आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स अ वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स इन रिलेटेड एंड स्टेबिलिटी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स में ही अपने अंदर ही इतनी सारी फील्ड्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डिजाइन, एनिमेशन, एंड वी हैव मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप इसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करते हो या आप इसके अंदर अपना करियर बनाते हो, तो आपकी 100% जॉब है ही है, क्योंकि कंप्यूटर्स के बिना तो किसी कंपनी में काम ही नहीं होता। हर कंपनी में हार्डवेयर की भी जरूरत है, नेटवर्किंग की भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है, डिजाइनिंग की भी जरूरत है। ये सब चीजें एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का डिप्लोमा मिलता है आपको। पर आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। या एक कंबाइन भी आता है कि आप कंबाइन में आपको थोड़ा थोड़ा सारी स्पेशलाइजेशन कराते हैं, फिर आपको जो पसंद है आप उसके अंदर और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो एक ये भी ऑप्शन होता है इसके अंदर। अगर हम इसमें बात करें तो वी हैव ENT करके कंप्यूटर एजुकेशन चनकियापुरी में, आप वहां से कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी अशोक विहार में दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आप यहां से ये कोर्सेज कर सकते हो। अब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर लोगे डिजाइन के अंदर, पर ये आपको चूज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूं। मुझे नेटवर्किंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, हार्डवेयर में, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे एनिमेशन में। तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके एंड यू जस्ट एक्सप्लोर दैट फील्ड। सो नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज करियर इन फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस का इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है बहुत सारी एमएनसीज के अंदर। हर एमएनसी के अंदर आजकल जो इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप है, पहले उतने ट्रेड रिलेशनशिप नहीं होते थे, अब आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप हो चुके हैं। इंडिया की कंपनी बाहर की कंट्रीज को, बाहर की कंपनीज को एक्वायर करती है, बाहर की कंपनीज इंडिया की कंपनीज को एक्वायर करती है। तो ये ग्लोबल रिलेशनशिप बहुत इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए फॉरेन लैंग्वेज का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ गई है। तो आप एशियन लैंग्वेजेस में, यूरोप लैंग्वेजेस के अंदर कोर्स कर सकते हो। इनके कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करता है, तो वहां से जाके भी इनके कोर्सेज को कर सकते हो। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ऑलरेडी करियर इन फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर ये सब वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लीज इसको चेक करो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है, 6 डिजिटल मार्केटिंग करियर्स, कि और कौन कौन से करियर्स होते हैं। उसमें मैं और अच्छे से आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो उस वीडियो को और अच्छे देखो प्रॉपरली। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर ऑप्शन है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल चला गया है और मार्केटिंग भी इस वजह से डिजिटली होने लग गई है, तो उसके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शन लाइक SEO, SMO, PPC, सोशल मीडिया मार्केटिंग का पर्सन होता है। इन सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने उसी वीडियो में डिस्कस करी, आप वो जाके एक बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या इस करियर ऑप्शन में फिट करता हूँ। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इसके अंदर भी बहुत सारे करियर फील्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक डिप्लोमा इन कुकरी कर सकते हो, बेकरी, टिकटिंग कर सकते हो, कैबिन क्रू होता है, एयर होस्टेस होता है, एयरपोर्ट हैंडलिंग होती है, हाउसकीपिंग होती है, बेसिक कोर्स ऑफ एयरपोर्ट होता है। तो ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम, आप कर सकते हो दिल्ली इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, इसी चीजों का, पूसा रोड पे फ्रैंकफिन है, YMC एक ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो आप देखो, अगर आप और भी इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट कि मुझे इस वाली फील्ड में और भी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल स्पेसिफिकली गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, राइट? या आप मुझे क्या करो, इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो इंस्टीट्यूट के नाम दे सकती हूँ. सारे इंस्टीट्यूट के नाम लेना इस वीडियो में जिसमें पता नहीं है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड होने वाले हो, तो वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करो कि आप इस फील्ड में और इंस्टीट्यूट चाहते हो, तो आई एम रेडली अवेलेबल टू टेल यू. एंड देन अगला करियर ऑप्शन आ जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, JBT कहते हैं, ETE होते हैं, तो आप ये कर सकते हो. इसके लिए आप ऑप्शन है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो डिफेंस कॉलोनी के अंदर है, तो इसको कर सकते हो. डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड कर सकते हो आप. ये जो है इनके NGO में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और आजकल NGOs इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, NGOs में, हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप ये इसको भी एक करियर ऑप्शन को अच्छा. स्पेशल एजुकेशन, इसकी भी रिक्वायरमेंट NGOs में रहती है. आप इसको रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडिया से कर सकते हो. देन वी हैव फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, रेडियो जॉकी आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से कर सकते हो. ब्यूटी केयर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है इस टाइम पे, और इवेंट मैनेजमेंट. तो ये सब करियर ऑप्शंस आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड आप और भी अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स में जाना चाहते हो, तो मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो.